हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक ही होंगे। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो मेडी नॉलेज फार्मेसी। एक बार फिर आपके सामने एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टॉपिक है सिरप सिनेरियोस, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं सिरप सिनेरियोस के मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चर करती है सेंटोर फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है जो सिनेरियोस सिरप को मैन्युफैक्चर करती है। और इसी के साथ साथ गाइस, इसकी मार्केटिंग भी यही कंपनी करती है। अब बात करते हैं गाइस सिरप सिनेरियोस के पैकिंग की और इसके प्राइस की। पैकिंग बहुत सिंपल है गाइस, 60 ml की एक बॉटल होती है जिसकी कॉस्ट होती है लगभग 89 rupees। और ये सिनेरियोस सिरप आपको बड़े आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर में अवेलेबल मिल जाएंगे। अब बात करते हैं गाइस सिरप सिनेरियोस के कंटेंट के और कंटेंट्स के रोल के। सिरप सिनेरियोस में 4 types ऑफ मेडिसिन होती है। पहला क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट जो कि 1 mg का होता है। गाइस क्लोरफेनिरामाइन ये एक एंटी एलर्जिक ड्रग है जो कि रिलीव करता है हमारे एंटी एलर्जिक सिम्टम्स को। लाइक जैसे कि पहला है रनी नोज, नाक से पानी बहना, दूसरा है वाटरी आइज, हाथ में पानी आना, तीसरा है स्नीजिंग मतलब छींक आना। इन सारे सिम्टम्स को कंट्रोल करता है गाइस। अब बात करते हैं दूसरे कंटेंट्स की जो कि है फिनिलेफ्राइन जो कि 5 mg का होता है। फिनिलेफ्राइन एक डिकॉन्जेस्टेंट ड्रग है, हमारे नाक में स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है उसको डायरेक्शन देता है, साथ ही साथ हमारे स्मॉल ब्लड वेसल्स को ब्लॉक होने से रोकता है। अब गाइस बात करते हैं तीसरे कंटेंट की। तीसरा कंटेंट है पैरासीटामोल जो कि 125 mg का होता है। पैरासीटामोल ये एक एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी जो कि पेन और फीवर रिड्यूसर का काम करता है। बात करते हैं गाइस सबसे आखिरी और चौथे कंटेंट्स की जो कि है सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट 60 mg का है। सोडियम सिट्रेट ड्रग म्यूकोलाइटिक ड्रग है गाइस जो कि हमारे नाक में होने वाली म्यूकस को लूज करता है ताकि कफ थ्रू ये बाहर निकल सके। सो गाइस ये हो गए 4 कंटेंट्स और इन कंटेंट्स के रोल। अब बात करते हैं गाइस सिरप सिनेरियोस के यूजेस की। सिरप सिनेरियोस यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड सिम्टम्स इन चिल्ड्रन। जनरली ये बच्चों की मेडिसिन है गाइस, डॉक्टर उन्हीं बच्चों को प्रिस्क्राइब करते हैं सिरप सिनेरियोस जिन बच्चों को सर्दी और बुखार होता है गाइस। अब बात करते हैं गाइस सिरप सिनेरियोस के डोजेस की। डोजेस दिन में 2 बार लेना है खाना खाने के बाद, 2 times a day आफ्टर मील। बट गाइस ये सिरप सिनेरियोस 2 साल से लेकर तो 12 साल के बच्चों को दी जाती है। बट गाइस उम्र के हिसाब से इनका डोज रिकमेंडेड करते हैं डॉक्टर्स, बच्चों के उम्र के हिसाब से इनका डोज रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स। सो गाइस आप ये सिनेरियोस सिरप बिना डॉक्टर के एडवाइस के बच्चों को ना दे। सो गाइस आपको अगर कोई डाउट है या फिर किसी मेडिसिन रिलेटेड टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको आपके मेडिसिन रिलेटेड टॉपिक के ऊपर वीडियो मिल जाएंगी। और मेरी इन्फॉर्मेशनल वीडियो से आपको कोई नॉलेज मिलता है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे आपको फ़ायदा होता है, सो आप मेरी वीडियोस को अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और साथ ही साथ मेरी ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल मेडी नॉलेज फार्मेसी के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बाय।